हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं राकेश सिन्हा, आपका अपना भाई, झारखंड जमशेदपुर से। मैं पिछले 2 साल से वियतनाम में योगा टीचर हूं, आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाता हूं। तो आज गाइस हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे वियतनाम में कितने होते हैं टीचरों के सैलरी। बहुत से हमारे इंडियन भाई हैं जिनके मन में रहता होगा कि अरे हम विदेश जाएंगे तो हमको 1 लाख मिलेगा, 1.5 लाख मिलेगा, 2 लाख मिलेगा। तो आज उस टॉपिक पे ही बात करेंगे और बताएंगे आपको कि क्या होता है वियतनाम में टीचरों की सैलरी। तो गाइस हम बात करने वाले हैं बेसिकली योगा टीचर और जुम्बा टीचर के बारे में, उनका स्टार्टिंग सैलरी क्या होता है। तो गाइस बता दें आपको, जब आप फ्रेशर होते हो, जब आप फर्स्ट टाइम इंडिया से वियतनाम आते हो तो आप फ्रेशर होते हो, आप फर्स्टिंग आपका सैलरी होता है इंडियन करेंसी में अगर बात करें तो 50,000 समथिंग आपका, 50 से 60,000 ऑलमोस्ट आपका होता है स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ पुराने हो जाते हो, जैसे जैसे कंपनी में आप पुराने हो जाते हो, यहाँ का लोकल लैंग्वेज सीख लेते हो और देन आप जब दूसरे कंपनी जंप करते हो ना तो आपका सैलरी थोड़ा इंक्रीज होता है। तो इसी तरह जो भी लोग फर्स्ट स्टार्टिंग आते हैं उनका सैलरी इंडियन करेंसी में बात करूं मैं तो ऑलमोस्ट 50 से 60,000 होता है। सेम योगा टीचर की भी उसी तरह होता है और जुम्बा टीचर का भी उसी तरह होता है। वियतनाम करेंसी का बात करें तो 15-16 मिलियन में पहले हम लोग आते हैं यहाँ पर जॉब करने के लिए, जो भी इंडियन यहाँ पर आते हैं योगा टीचर का बात करें या जुम्बा टीचर का बात करें तो स्टार्टिंग में वो लोग 15 से 20 मिलियन में यहाँ पर काम करने आते हैं। इंडियन करेंसी अगर बोला जाए तो 50 से 60,000। लेकिन जैसे जैसे जब पुराने होते हैं, कंपनी चेंज करते हैं तो ग्रोथ उनका होने लगता है। और इसके अलावा और भी यहाँ पर टीचर हैं जो लाख रुपया भी सैलरी कमाते हैं और 1.5 लाख भी सैलरी कमाते हैं, कोई 80,000 भी कमाता है, कोई 90,000 भी कमाता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी कंपनी की 4 क्लासेस है, अगर आप और एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हो तो आप यहाँ पर PT ले सकते हो, पर्सनल क्लास ले सकते हो, ताकि आप और भी ज़्यादा पैसा यहाँ पर कमा सकते हो। तो वो एक जरिया है गाइस कि आप अगर एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हो तो आप अपनी कंपनी या क्लासेस के वगैरह और भी आप एक्स्ट्रा मेहनत करके आप और मतलब 20,000-30,000 आप एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हो। तो राउंड फिगर आपका 1 लाख हो जाएगा। कोई यहाँ पर 1,20,000 भी कमाते हैं, 1.5 लाख भी कमाते हैं, 1,10,000 भी कमाते हैं, कोई 50,000 कमाते हैं, कोई 70,000 कमाते हैं। तो ये मैंने स्टार्टिंग सैलरी बताया आपको कि कोई भी लोग अगर बिगिनर आते हैं इंडिया से तो उनका सैलरी इतना होता है। आज मुझे लगा इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि हमारे बहुत सारे इंडियन भाई हैं जो कन्फ्यूजन में रहते हैं कि अगर हम वियतनाम जाएंगे फर्स्ट टाइम तो कितना सैलरी होगा। किन्हीं को वहाँ पर इंडिया में बैठे बैठे लगता है कि अरे हम विदेश जाएंगे तो मेरा सैलरी 1 लाख हो जाएगा या फिर 1.5 लाख हो जाएगा। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मैं वियतनाम में हूँ और पिछले 2 साल से मैं यहाँ वियतनाम में एज अ योगा टीचर काम कर रहा हूँ। तो मैं आपको ये फैक्ट बता रहा हूँ, आप तक मैसेज पहुँचा रहा हूँ कि आप यहाँ अगर जुम्बा टीचर और योगा टीचर के लिए आते हैं तो आपका सैलरी इतना हो सकता है। यहाँ पर और भी एक है जो हमारे बहुत सारे भाई हैं जो यहाँ पर इंग्लिश टीचर भी हैं, आप यहाँ पे इंग्लिश टीचर भी आ सकते हैं। इंग्लिश टीचर का सैलरी गाइस अच्छा होता है। जैसे कि मेरे एक भाई हैं विक्रम पाजी जो कि पंजाब से इंग्लिश टीचर हैं, वो यहाँ पर इंग्लिश टीचर एज ए इंग्लिश टीचर काम करते हैं। तो उनका सैलरी मतलब अगर आप मैं अंदाज़ा लगा लूँगा तो 40 से 50 मिलियन वो कमाते हैं इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर का यहाँ पर रिक्वायरमेंट अच्छा है, उनका सैलरी अच्छा है। और योगा टीचर जुम्बा टीचर का तो मैंने सैलरी बता दिया, किन्हीं का 20 मिलियन है, किन्हीं का 25 मिलियन है, किन्हीं का 27 भी है और किन्हीं का 30 है। तो इंडियन करेंसी में किन्हीं का 70-80, किन्हीं का 90 है और किन्हीं का 1 लाख भी सैलरी है यहाँ पर। तो आज मुझे लगा ये टॉपिक पे एक वीडियो बनाना चाहिए और आप लोग तक ये मैसेज पहुँचाना चाहिए। तो गाइस अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट करके अपने भाई राकेश सिन्हा को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। और जो भी गाइस चैनल पे नए हैं तो अपने भाई राकेश सिन्हा का सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस यही आप लोग से उम्मीद है। आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा मुझे बूस्ट मिलेगा और जितना ही ज़्यादा मुझे बूस्ट मिलेगा उतने ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगा। तो गाइस बस इसी तरह मुझे सपोर्ट कीजिए और आप लोग का सपोर्ट अभी तक अच्छा मिल रहा है इसलिए मैं वीडियो हर 1-2 दिन के बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं। और इसी तरह बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, मैं वीडियो बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए और वियतनाम का जो भी इन्फॉर्मेशन होगा हम अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। अभी तो गाइस जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अभी लॉकडाउन है तो हम कहीं बाहर नहीं जा पा रहे जिसके वजह से हम ब्लॉग शूट नहीं कर पा रहे। तो मैंने सोचा कि कुछ वियतनाम का जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो प्लीज़ गाइस आप लोग सपोर्ट कीजिए अपने भाई को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों वॉचिंग फॉर माय वीडियो। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।